भाइयों और बहनों, ये कागजी समाजवादी जो शत प्रतिशत परिवारवादी है और उनके सहयोगी इतने सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन खेती की समस्या और किसानों की परेशानी को इन्होंने समझा ही नहीं। दशकों से खेती की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जिससे किसान परेशान था, उसको सुधारने का साहस इन्होंने जुटाया ही नहीं, क्योंकि स्थितियों को बदलने में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए स्थिति ज्यों की त्यों रहे, यही कोशिश इन्होंने की, क्योंकि वो तो सोते सोते सपने देखना, यही तो उनका काम है। लेकिन डबल इंजन की सरकार को खेती और किसान के वर्तमान और भविष्य की चिंता है, इसलिए कृषि का बजट पिछली सरकारों की तुलना में आज 6 गुना हो चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए में से बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों को मिलेगा। अपनी उपज की कीमत के लिए कई कई महीनों किसानों को इंतजार करना पड़ा था, डबल इंजन सरकार अब तुरंत एमएसपी को बैंक खाते में जमा कर रही है। एमएसपी खत्म हो जाएगा, जैसे वैक्सीन की अफवाह फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाह फैलाई। झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये अफवाहें फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यूपी में डबल इंजन की सरकार ने 2017 से पहले की अपेक्षा एमएसपी पर खरीद में कई गुना अधिक वृद्धि की है, छोटी मोटी वृद्धि नहीं। इस वर्ष भी यूपी सहित देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में मिलने वाले हैं। अफवाहों की राजनीति करने वाले ये वही दल है, वही नेता है, जिनकी सरकारों ने यूपी की करीब 2 दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों में ताले लगा दिए थे। उनको अलीगढ़ ताले लगाने के लिए याद आया और योगी जी बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर रहे थे। गन्ना किसानों का बकाया सालों साल चलता रहता था। योगी जी की सरकार ने बीते 5 सालों में पुराने बकाये सहित 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। पिछली सीजन का भी लगभग पूरा भुगतान हो चुका है और इस बार का भी बकाया तेजी से निपटाया जा रहा है। यही नहीं, योगी सरकार ने नई चीनी मिलें भी बनाई है और अनेक पुरानी चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार और आधुनिकरण भी किया है। गन्ने से इथेनॉल बनाने की बहुत बड़ी क्षमता अब यूपी में तैयार हो रही है। एक प्रकार से यूपी का इथेनॉल देश को दौड़ाएगा, यह ताकत पैदा कर रहा है योगी जी की सरकार। इसलिए तो यूपी के गन्ना किसान भी आज कह रहे हैं कि फर्क साफ है।